बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अमीना अली और आप देख रहे हैं ब्लिसफुल आवर्स, जो मेरे चैनल का नाम है। तो आज मैं बनाने लगी हूँ ये वेजिटेबल का रायता। ये बनाने के लिए इसमें जो मेरे पास जो चीज़ें हैं वो ये हैं, मटर और गाजर, इन दोनों को मैंने पहले से बॉयल कर लिया था। वो मेरे पास टमाटर, खीरा, आलू जिनको मैंने पहले से बॉयल कर लिया हुआ था, इन सबको मैं दही के अंदर मिक्स करूँगी। ये मेरे पास दही है, दही में पहले हम शामिल करेंगे ये ज़ीरा को थोड़ा सा हाथ में मसल के थोड़ा सा हाथ में हम इसके अंदर डालेंगे, इसको ऐसे मिक्स करके। फिर इसके अंदर हम अपनी ग्रीन चटनी डालेंगे जो मैंने बनाई है, धनिया, पुदीना और मिर्च के साथ, सब्ज़ मिर्च। हम चटनी मिक्स करेंगे। ग्रीन चटनी मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मटर और गाजर, टमाटर, बंद गोभी, खीरे। आयशा मुझे आवाज़ें लगा रही है। और इसके अंदर हम डालेंगे आलू। ये सब कुछ शामिल करने के बाद ये मैंने सब कुछ कर लिया। जी फ्रेंड्स, तो ये मैंने सब वेजिटेबल्स इसके अंदर शामिल कर दिए और ये देखिए कितना ज़बरदस्त था मेरा वेजिटेबल रायता रेडी हो गया। अब इसके ऊपर थोड़े से टमाटर डालूंगी। अब इस स्टेज में आकर हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। स्टेज में आपने अपना नमक शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। नमक हमेशा एंड में डालना चाहिए ताकि हमें पता हो हमारे पास चीज़ कितनी है और हम उस चीज़ के मुताबिक नमक शामिल करें, जिससे नमक ना ज़्यादा हो ना कम। जी फ्रेंड्स, तो ये मेरा रायता बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके ऊपर मैं थोड़े से पुदीने के पत्ते शायद डालूँगी, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा चाट मसाला डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूंगी। जी फ्रेंड्स, तो ये मेरा रायता बिल्कुल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और इसको खाने के बाद, इसको बनाने के बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के बटन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सकें। अल्लाह हाफ़िज़।